निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने सरकारी आवास एक विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने 17 जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से 17 जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर कई प्रकार की भ्रांतियां सोशल मीडिया और विपक्ष द्वारा चलाई जा रही है। और क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, आप भी सुनिए। सपा और बसपा कांग्रेस ने हमारे लोगों का हक छीन रहे थे। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, इनके सहयोग से 30 साल से कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी। और जब मेरे इस संविधान के लिए विश्वंभर जी ने आवाज़ दिल्ली में उठाई राज्यसभा में, तो सपा के सांसद खुद ही बाहर भाग गए। इसलिए हमारे समाज के लोग उनका नहीं ये धोखा देते हैं खाली हमारे लोगों को। हमें पिछड़ी से निकालना, अनुसूचित में डालना जो गैर संवैधानिक है, अनुसूचित के लोग स्टे ले लें, तो हमें लटका कर धोखा किसने दिया है ये सब तो मालूम है, कोर्ट ने बता दिया। उसने कहा वहाँ के 17 पिछड़ी जातियों का जो मामला संविधान ने नोटिफिकेशन कैंसिल किया, ये माना जाए कि सपा के मुंह पर तमाचा है, उनके गलत कार्यों पर, गलत निर्णय पर उन्होंने ये जो है सपा शासन काल के उस निर्णय को कैंसिल किया है जो गलत था। हम उसका देखिए, जब संविधान बना था उसी में समय लिख दिया गया था, वो अलग विषय है कि कोटा बढ़ेगा कब है। पहले जब ये पहुंच जाएंगे तो संविधान में व्यवस्था है कि जो जातियां इसमें जैसे जैसे गिनती होती हैं अगर उनका दायरा बढ़ता है तो कोटे अपने आप बढ़ जाएंगे। तो अभी तो इनको दिया ही नहीं जाता, जब इन्हें पहुंच जाए प्रमाण पत्र मिलने जाए तो वो अलग विषय है कि कोटा का मामला। नहीं तो कुल मिला के जितनी टोटल 17 जातियाँ हैं ये ऑलरेडी एससी में शामिल हैं, ऑलरेडी ये समूह के रूप में शामिल है। अनुसूचित जाति का एक जातियों का समूह है, वो समूह है। और वो समूह में जैसे लेदरमैन है उनकी 26 जातियाँ हैं, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार ये ठीक है। फिर वासरमैन की एक समूह है धोबी, उनकी जाति जो है वो है रजक बरेठा कन्नौजियाँ हैं। उसी तरीके से मझवार एक समूह है, इधर केवट मल्ला आदि उसकी उपजाति है। तुरैया एक समूह है, उसका जो धीमर और जो और हैं जातियाँ वो उसकी उपजाति है। शिल्पकार एक समूह है, उसमें महार और प्रजापति उसके हैं। ये जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचित हैं और एक तरीके से अधिसूचित है, शासन आदेश जारी है। तो 66 समूहों में खाली आपको मालूम है सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है कि अनुसूचित जाति पर एक जाति का कब्जा है और पिछड़ी जाति में एक जाति का कब्जा है। लेकिन अब कब्जा है इसीलिए इनको घुसने नहीं देते। अब इसके लिए हम लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे सारे लोगों, अब देखिए अभी आज हम लोगों ने कल रात में बैठक की है। हम सामाजिक कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री आए थे असीम जी, और उनसे चर्चा हुई 2 घंटे पूरे एविडेंस के आधार पर। वो भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, फिर दोनों मिलकर एक संयुक्त ड्राफ्ट हो जाएगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा, आवश्यकता होगा कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से उसे नोट बनाकर हम लोग दिल्ली भेज देंगे। ये हम लोग चाहते हैं विधिक रूप से जाए, सब राय लेकर संवैधानिक रूप से उसे, हमें रजिस्ट्रार जनरल से भी मिलेंगे, मतलब जो हमारे महाधिवक्ता उनसे भी लेंगे, सबसे राय लेकर तब जाके यहाँ से दिल्ली भेजेंगे हम लोग। अब पूरे ठीक है, अब हम लोग फूंक के कदम रखेंगे कि कभी कहीं कोई त्रुटि न हो जिससे कि न्यायालय में कोई किसी को जगह मिले, विपक्षी को कोई आवाज़ उठाने की जगह मिले, क्योंकि विपक्षी लोग ही इनके साथ पक्षपात किए। लेकिन पहले सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करने से पहले ये तो तय हो जाए कि कौन सी जातियां कहाँ हैं। उसमें हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया जो गैर संवैधानिक है, तो संविधान के मुताबिक पहले तय हो जाए कि कौन सी जातियां कहाँ हैं, तब उसे सही से लागू किया जाए। अभी लागू कर दिया जाए तो गलत है। हमें इन जातियों को अनुसूचित जाति में इनरोल्ड किया जाए, उसके बाद सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री श्री डॉक्टर संजय निषाद जी। तो उनसे जानेंगे कि 17 जातियों का जो आरक्षण था मंत्री जी, तो उसके लिए बातें कई सारी कही गई, उनका सोशल मीडिया पर वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, तो उसको लेकर के अब देखिए। मैं तो पहले से, जब से मैं इस क्षेत्र में आया, मैं पहले तो चिकित्सक था,
हमें मालूम है, पहले से मैं कह रहा हूँ कि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से हमारे बिरादरी को मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें मझवार की प्रवासी जाति, हमें मझवार का चाहिए, हमें मझवार संवैधानिक आरक्षण चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए। आखिर धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि उन्होंने दूध का दूध उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीति या सोच गलत थी पिछली सरकारों की, इनके साथ धोखा किया गया, इनको मूर्ख बनाया गया। अब कोई भी दल इन जातियों को मूर्ख बन बनाए, इनका मामला कोई भी आरक्षण का मामला केंद्र से होता। और बीते ऑलरेडी मैं बता दूं कि आप अपने कैमरामैन को कह दीजिए कि इस चीज़ को तो जरूर दिखा दे कि केंद्र ने ऑलरेडी एक सूची जारी कर रखा है कि अनुसूचित जातियों के 66 समूह हैं, इसमें 24 में चापमार भाई हैं, 30 पर धोबी भाई हैं और 51 पर हमारा मझवार है। और इसके लिए राष्ट्रपति ने पहले से नोटिफिकेशन जारी कर रखा 1961 में कि ये कौन सी जातियाँ क्या हैं, एक सूची दे रखी है अनुसूचित जात की और उसमें उनकी सिन्नोम जेनरिक नेम दोनों, मतलब उनकी पर्यावासी कौन है, इस समूह में कौन कौन से लोग आएंगे। इसके लिए भी उन्होंने तय किए 24 नंबर पर चमार भाइयों की इतनी उपजातियों को मिलता, अगर इसके आधार पर इनकी उपजातियों को मिलता है, धोबी भाई देखो 30 नंबर पर है, इन्हें मिलता है रजक बरेठा को, तो इसी में देखो 51 नंबर पर हमारे मझवार है और इसमें केवट मल्ला स्पष्ट लिखा है कि केवट मल्ला मझवार है, तो हमें केवट मल्ला को मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो ये हमारे नाम को पिछड़ी में डालना ही तो धोखेबाजी है, और पिछड़ी में डाल के फिर निकाल के स्टे लेना, 30 साल से डकैती डालना इनके हकों पर, ये गलत है। तो आज के दिन में आगे बढ़िए कि देखिए राष्ट्रपति ने इसमें लिखा है कि ऑक्यूपेशन में किससे गिनती किया जाएगा जो फिशरमैन होंगे, या देखिए स्पष्ट लिखा हुआ ऑक्यूपेशन में कि कौन है, यहाँ ऑक्यूपेशन में कि देखिए ऑक्यूपेशन है, यहाँ फिशरमैन है, मतलब हम ऑलरेडी अनुसूचित जात की सूची में शामिल हैं, परिभाषित तो होने की आवश्यकता है, पिछड़ी जात से निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिला था, उन्होंने समाज कल्याण मंत्री को मिलने के लिए कहा, कल शाम को बैठ के बात हो गई है, ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए विधिक राय ली जाएगी, संविधान तैयार करके देंगे, माध्यम से जो भी संविधान विशेषज्ञ होगा उसके माध्यम से किया जाए कि अभी बेईमान पिछली सरकारें इसमें रोड़ा न बने, इसके रोक न सकें, उसको हम लोग यहाँ से फिर दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से उसे परिभाषित कराकर जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2021 को जो लेटर भेजा था RGI को, वह डॉक्टर संजय कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार हैं, तो इस पर मार्गदर्शन किया जाए। तो RGI ने वैसे 18/1/2022 को स्पष्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है सेंसस मैनुअल में, और ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का काम है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय में गया, मैं गृहमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वस्त किया कि धैर्य रखो। और अभी उन्होंने सदन में नारायण स्वामी जी ने लिखित रूप से आश्वस्त किया कि नहीं, मझवार हमारे यहाँ 1950 में लिखा, तो अब मामला दिल्ली का है और दिल्ली अब हम यहाँ से जाएंगे और दिल्ली में भी बात करके, भाई देखो संवैधानिक रूप से देखो धारा 370 कैसे ख़त्म करके देश को आज के दिन में दंगा मुक्त करा। संजय जी, एक प्रश्न है हमारा कि आगामी 2024 का चुनाव जो है उसमें राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कल उन्होंने नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात की, तो विपक्ष कितना मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? पहले अपने कांग्रेसी जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए कि आखिर कांग्रेसी क्यों भाग रहे हैं, कांग्रेस से कूद के क्यों भाग के चले गए, उनके लोग कहाँ चले गए, कार्यकर्ता पदाधिकारी जिला, तो हवा में कांग्रेस ने काम करे, हवा वालों का जवाब जनता अपने आप दे रही है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV24 लखनऊ।